नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दिग्विजय सिंह चौटाला ने सिरसा एसपी को दी शिकायत। दिग्विजय चौटाला ने एसपी को एक ऑडियो क्लिप सौंपी। ऑडियो क्लिप में पार्टी की छवि खराब करने का प्रयास किया गया। जजपा ऑफिस से नैना चौटाला के सेक्रेटरी बन करके जजपा कार्यकर्ता को किया गया था फोन। उन्होंने कहा कि न तो फोन करने वाला नैना चौटाला का सेक्रेटरी है और न ही फोन सुनने वाला जजपा का कार्यकर्ता। दिग्विजय चौटाला ने भाजपा पर साजिश रचने का आरोप लगाया। वहीं शिरोमणि अकाली दल के हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान पर जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है और शिरोमणि अकाली दल भी एक बड़ी पार्टी है। शिरोमणि अकाली दल के साथ जेजेपी के गठबंधन करेगी। इस सवाल के जवाब में दिग्विजय सिंह चौटाला बोले कि ये केवल मेरे लेवल की बात नहीं है, ये पार्टी निर्णय लेगी, लेकिन राजनीति में संभावना का खेल है, ऐसे में कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि निजी विचार मेरे ये हैं कि मैं और मेरी पार्टी समान विचारधारा को अपने साथ लेकर चलेंगे। पलपल सिरसा, अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। जजपा नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने शिरोमणि अकाली दल द्वारा हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, शिरोमणि अकाली दल एक बड़ी पार्टी है, अकाली दल के साथ गठबंधन के बारे में फैसला पार्टी को लेना है। उन्होंने कहा कि ये मेरे लेवल की बात नहीं है, लेकिन राजनीति में एक संभावनाओं का खेल है और कुछ भी हो सकता है। दिग्विजय सिंह चौटाला ने भाजपा पर उनकी पार्टी की छवि खराब करने का एक बड़ा आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि जजपा नेता नैना चौटाला के डब्बावाली ऑफिस से नैना चौटाला का सेक्रेटरी बनकर जजपा के ही कार्यकर्ता को फोन किया गया था, जिसमें पार्टी की छवि खराब करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि न तो फोन करने वाला नैना चौटाला का सेक्रेटरी था और न ही फोन सुनने वाला जजपा का कार्यकर्ता। उन्होंने कहा कि भाजपा से एक साजिश के तहत उनकी पार्टी की छवि खराब करने का प्रयास किया है। दिग्विजय चौटाला ने इस मामले में ऑडियो सहित एक शिकायत सिरसा एसपी को सौंपी है। इसके साथ साथ आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की। अब देखें पलपल की ये विशेष रिपोर्ट। एक मामला है जिसके अंदर कोई व्यक्ति स्वयंभू तौर पर अपने आप को विधायिका डबवाली का पीए बताकर, उनका सेक्रेटरी बताकर उनके दफ्तर से कॉल करता है और किसी व्यक्ति से डबवाली के किसी पंजाबी बेल्ट के गांव में बातचीत करता है। और उस बातचीत का इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो पार्टी को किस तरह से नुकसान पहुंचाया जाए कि स्थिति पार्टी की बहुत ख़राब हो गई, ये हो गया, वो हो गया, वो व्यक्ति लास्ट में खुद भी मानता है। यानी ये सारा प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ रच रहे हैं और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ऐसे लोगों पर क्रिमिनल केस चले, इसके लेकर के मैं एसपी साहब से आज बातचीत करने गया था। उन्होंने मुझे अशोर किया कि वो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को बुला करके इसकी ड्यूरेक्शन पता कर करके इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमारे ऑफिस के जो सेक्रेटरी हैं जयप्रकाश जी, ना तो उनके नंबर से ये कॉल हुई, ना हमारे किसी कार्यकर्ता को ये कॉल गई। ये दोनों ही जो हमें नॉलेज हुई भारतीय जनता पार्टी के कौन से गांव के हैं, चट्ठा गांव के लोग हैं जिनके बीच की ये बातचीत है। इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिससे आने वाले चुनाव में ऐसी हरकत ये बीजेपी का गिरोह ना कर पाए। नाम तो अगर हमें पता हो तो हम आपके सामने नाम हो या कंप्लेंट में नाम डालते, नाम हमारी जानकारी में नहीं है। डेमोक्रेसी में सबको चुनाव लड़ना चाहिए, अधिकार है। बादल साहब बड़े नेता है और उनके साथ भी लोग जुड़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। इस तरह से कंपटीशन नहीं हुआ क्या लगता है, क्या जनाधार बात है यहाँ? भाई जनाधार तो सब राजनीतिक दलों का अपना होता है। शिरोमणि अकाली दल भी बड़ी पार्टी है और सरदार प्रकाश सिंह बादल बड़े नेता हैं। चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। गठबंधन की बात उनकी तरफ से की जा रही थी, वो कह रहे अगर बीजेपी से नहीं हुआ, कुछ समय पहले उन्होंने कहा था, तो हम जेजेपी को ट्राई करेंगे। क्या ऐसा संभव हो सकता है कि जेजेपी शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन हो? भाई ये मेरे लेवल की बात नहीं, ये राधेश्याम शर्मा जी से पूछो, ये इनके लेवल की बात है। फिर भी आप क्या मानना है, क्या आप चाहते हैं कि अब गठबंधन का वक्त है या नहीं है कुछ? मैंने कहा कि मैं ना तो मेरा अधिकार मुझे अलाउ करता, आज चुनाव का बड़ा सेंसिटिव समय है, कोई भी छोटी मोटी बात बहुत बतंगड़ बन जाती है चुनाव में। और
राजनीति में, और जैसे मैं अमूमन कहता हूँ क्रिकेट पे कुछ भी हो सकता है। मैं तो सदैव पक्षधर रहा हूँ, पार्टी के प्लेटफॉर्म पे कहता रहा हूँ कि समान विचार के लोगों को साथ में लाना चाहिए, लाए भी हैं, प्रयास भी किया है, बहुजन समाज के लोगों को भी हमने गले लगाया। आज वो समाज तो हमारे साथ रह गया, बहुजन समाज हमारे साथ रह गया, पीछे की जो पी पार्टी है वो वापस चली गई। तो अब बहुजन समाज ने भी कह दिया कि हम रोज रोज बिकेंगे नहीं, किसी के किसी को ठेकेदार नहीं बनाएंगे, बल्कि इस बार दुष्यंत को अपना आशीर्वाद देकर बहुजन समाज का हिस्सा राजनीति में। कैसी संभावना हो सकती है? ये तो कल को क्या हो जाए।